रियो ओलंपिक में ऐसी चोट लगी कि बिस्तर पर एक खिलाड़ी रही, पर उस बहादुर बेटी का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। पहले कॉमनवेल्थ में तो अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर एक इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं पहलवान विनेश फोगाट की। जी हाँ, विनेश ने जकार्ता और पालेमबांग में चल रहे 18वीं एशियन गेम्स में पहलवान विनेश फोगाट ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। विनेश ने महिलाओं के फ्रीस्टाइल 50 किग्रा वर्ग के खिताबी मुकाबले में जापान की पहलवान यूकी आयरी को हराया। दूसरे दिन 50 किग्रा फ्रीस्टाइल में भारत की ओर से ताल ठोकते हुए फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में चल रहे इन एशियाई खेलों का भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल था। विनेश फोगाट द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता महावीर फोगाट की भतीजी और इंटरनेशनल पहलवान गीता फोगाट की चचेरी बहन है। बता दें कि विनेश ने 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। रियो ओलंपिक 2016 में चोट लगने के बाद विनेश फोगाट काफ़ी समय पर बिस्तर पर रहे, पर इस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर से अखाड़े में उतरी। विनेश ने शानदार वापसी की है और नतीजा आज सभी के सामने है। बता दें कि 24 अगस्त 1994 को जन्मी विनेश महावीर फोगाट के भाई राजपाल की बेटी हैं। बताया जा रहा है कि राजपाल का जमीनी विवाद के चलते कभी जान गंवा बैठे थे, जिसके बाद महावीर फोगाट ने विनेश और उसकी बहन प्रियंका को अपनाया और पहलवान की ट्रेनिंग दी और नतीजा आज पूरे देश के सामने है कि भारत का मस्तक उन्होंने ऊँचा कर दिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस,